अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से हो गए, ठीक हो गए। तो भाई आज का जो सीन है वो कुछ यूँ है कि भाई तुम्हारे भाई का हुलिया बहुत ज़्यादा हो गया ख़राब। तो मैंने सोचा कि ना भाई मैं जाऊँ सैलून और अपनी कटिंग वटिंग कराऊँ। तो जब तक कि मैं वो लग रही है भूख वगैरह, भूख भी लग रही है बहुत टाइट। तो मैं सोचा भाई मैं खाना खा के जाऊँ, क्योंकि वहाँ तो मैं आ जाऊँगा लेट। तो अभी ये है कि मैं पहले खाना खाता हूँ फिर मैं जाता हूँ। तो अभी देखते हैं भाई खाने में आज वाइफ ने क्या बनाया है। इनको भी खाना देना है, ये भी इंतज़ार में बैठे हैं। तो भाई क्या बना हुआ है खाने में? खाने में क्या है देखते हैं भाई, खाने में क्या है। खाने में है चावल और ये हमारी वाइफ की सब्ज़ी। थोड़ी सी रोटी तोड़ दो, इस टाइम जो है तोते का भी खाने का टाइम है। ये लो खाओ भाई, खा ले ये खा। अब गुस्से में फेंक दिया। तो भाई ये सीन है कि भाई अभी मैं खाता हूँ खाना, और खाना खाने के बाद सैलून पर जाकर ही आप लोगों से मिलते हैं। तो कटिंग कराने से पहले मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया था। मैंने बोला भाई शेरी को मैंने फ़ोन करा था। मैंने बोला भाई शेरी भाई आ जाओ, हम जाएंगे कटिंग वगैरह करवाने। तो अभी ये है कि शेरी भाई आने वाले हैं। बेल बजिए पीछे, देखते हैं कौन आया। कौन है? हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो भाई शेरी भाई कब से खड़े हुए वेट कर रहे हैं, और अब उनकी मेरे उनको मेरे ख्याल से बहुत टाइट वाला गुस्सा भी आ रहा होगा। तो आए मैं आपको इनका रिएक्शन दिखाता हूँ कि ये बाहर निकलते ही ये मुझे क्या बोलेंगे। और आप आ गए, गलत बात है ना यार। मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है और मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ। सही है सही है। और आप आ गए, मैंने बोला मैंने कैमरे में बताया शेरी भाई आ रहे हैं। मैं बराबर कर लूंगा, मैं आप टेंशन नहीं लो। आप मेरे घर पर आओ, मैं आपको ऐसे ही आधा घंटा वेट करूंगा। एक तो अननोन पर्सन मैं यहाँ पे, मुझे इस लोकेशन पे आता नहीं खड़ा हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है। सॉरी यार, बस ये है कि भाई हम आपसे वहीं जाके सैलून पे आके आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसा है? क्या लाइट कब आएगी भाई? सर लाइट बस आने वाली है, आधा घंटा लगेगा और फिर आप लोगों को बना देंगे। भाई अभी यहाँ पे लगेगा आधा घंटा, जब तक कि हम दोनों बैठते हैं बात बात करते हैं शरीफ में आपस में। लाइट आएगी तो फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई जैसे कि काफ़ी देर से बैठे हुए थे अंधेरे में, और अभी लाइट आई है, अभी हमारा नंबर भी आया। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी कटिंग करवाना। तो गाने पे स्टार्ट करें जी जी। कौन सा हेयर स्टाइल बनाएंगे? कुछ कोई नया हेयर स्टाइल ना, उसमें नए हेयर स्टाइल की कोई कटिंग मारे। ये बालों, ये तुमने बालों में क्या करा है? इतना घोंसला क्यों हो रहा है तुम्हारे बालों में? बाल बड़े बहुत हैं। अच्छा इसके बालों में क्या करना चाहेंगे दानिश भाई? इनके बालों में अभी बनाएंगे टॉम क्रूज। टॉम क्रूज
फाइनली तुम्हारा भाई हो गया है रेडी। तो भाई दानिश भाई ने रेडी करा है बड़ी मेहनत से, काफी देर लगी है यार। और अभी दानिश भाई से जरा बात करते हैं। दानिश भाई माशाल्लाह से आपने तो हैंड ही कर दिया यार। भाई इनकी जो शॉप थी वो पहले थी शाह फैसल कॉलोनी में, और अभी आ गए कहाँ पर है दानिश भाई जरा बता दें। लाइन नंबर 6 और जोंग बिरयानी वाले के बिल्कुल सामने आ जाए आप, वहाँ पे हमारी शॉप है। तो भाई जिन भाइयों को नहीं पता हो इनकी शॉप का कि भाई इनकी शॉप कहाँ पे गए शाह फैसल से, ये तो इन्होंने आपको एड्रेस समझा दिया। बाकी शादी में जब आप तैयार हुआ था वो भी इन्होंने ही करा था माशाल्लाह से, जो कि कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई बहुत प्यारे लग रहे हो। तो भाई सीन ये है कि अब बस हम घर जाएंगे, फिर घर जाके आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है? जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई जैसे कि मैं घर पर आ गया था और फ्रेश वगैरह भी हो चुका हूँ, तो भाई बाल कटवाने का जो रीज़न था वो ये था कि मुझे जाना था 2 दिन बाद इवेंट में, जो कि मैंने सोचा क्यों ना भाई 2 दिन पहले ही अपनी तैयारी कर लूँ, बाल वाल कटवा लूँ, क्या मैं एंड टाइम में भागूंगा। तो जैसे ही मैं घर पर आया तो अब्बू ने बोला भाई तुमने बाल कटवाए क्या, तुम्हारे बाल तो वहीं के वहीं बड़े के बड़े। तो मैंने अब्बू बाल कटवाए मैंने, तो बोलने लगा नहीं मैं तुमने बाल नहीं कटवाया, तुम्हारे बाल वहीं के वहीं बड़े, तुम 4 घंटे लगा कर आ रहे हो, आखिर तुमने करा क्या है? तो तुम्हारा भाई फटाफट वहाँ से भाग लिया। अब्बू ने बोला अभी मैं तुझे गंजा करता हूँ। तो तुम्हारा भाई फटाफट वहाँ से भागा भाई, कुछ जल्दी में भागा फटाफट। तो भाई आपका जो सीन है वो ये है कि मैं अभी कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी, अभी मैं इस व्लॉग को यहीं से करूँगा एंड। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी ये है कि बहुत ही हार्ड चैलेंज लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड चैलेंज लेकर आया हूँ, और शायद ही किसी ने अभी तक के वो चैलेंज अभी तक करा हो। तो ये है कि नेक्स्ट वीडियो को आपको बेसब्री से इंतज़ार करना है, बहुत ही हार्ड चैलेंज है। और अभी ये मेरे दोस्त यार भी आ चुके हैं जो कि दूसरे रूम में हैं जहाँ पर हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो अभी मैं आप लोगों उन लोगों के पास लेकर चलूँगा और देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं उस वीडियो के बारे में जो अगली वीडियो आएगी। तो अभी चलते हैं, फट से चलें ज़रा इनके पास, लाइटें वाइटें बंद करें, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं यार। काफ़ी देर से ये लोग बैठे हैं और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हो भाई हो आप लोग? यार आपने एक चीज़ नोट करी? जी हाँ, इधर आओ। अबे बाल देखो यार क्या टाइट हो गए, ओहो जुल्फे देखो, पैसा। अब्दुल्ला भाई आए हैं जैसे कि अभी हमारे पास। हाँ अब्दुल्ला भाई क्या लें? रहीम भाई में, रहीम भाई क्या हाल है? रहीम भाई बहुत चौड़े में घूम रहे हैं जैसे कि। तो आज का जो चैलेंज है आप तीनों जरा बताए जरा, आज का चैलेंज कैसा होने वाला है? यार आप लोगों को डर भी लग रहा है या फिर वाकई में लग रहा है? आज सारे सालों के चौड़े पर निकलेंगे, जो चौड़े बनते थे सालों के चौड़े। पता चलेगा, तुम्हें चैलेंज में पता चलेगा। ये दोनों लड़ते ही रहते हैं भाई, कौन कितना बड़ा चौड़ा है, कौन कितना बड़ा है। मुझे कॉल करते मुझे बोलता है कि जल्दी आ रहे, चैलेंज गेम मैंने प्रिपेयर करा हुआ, मैं पता नहीं आया, खाली टेबल है। तो भाई अभी ये तीनों को जो लड़ते रहेंगे भाई, हम लड़ तो नहीं रहे। अभी जो सीन ये है कि भाई हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट, मैं जो कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ। आज जो है मैंने अपना सैलून का व्लॉग बनाया और अब जो है रात होते ही इस व्लॉग को एंड करते ही मैं जा रहा हूँ दूसरा व्लॉग बनाने, यानी कल के व्लॉग की तैयारी करने जा रहा हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई को फुल सपोर्ट करो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।